हे गाइज, अगर आपने अभी तक डाउटनट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउटनट ऐप का लिंक मिल जाएगा। अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, क्योंकि यहां आपको क्लास 6वीं से लेकर क्लास 12वीं तक और यहां तक कि जेई मेंस एडवांस एवं नीट के क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। हे गाइज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इन दिनों व्हाट्सएप पे एक खबर वायरल हो रही है। खबर क्या है कि 2020 में क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले लड़कों को उनकी बिना कापियों को जांचे हुए उन्हें पास कर दिया जाएगा। जी हां गाइज, आप लोग देख सकते हो ये स्क्रीन पे ऐसा ही कोई आर्टिकल बनाकर इसे वायरल किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पूरा पढ़ते हैं और मैं बता दूँ, पहले ही बता दूँ कि ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ गाइज, खुद यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट पर है उस पर बताया गया। चलिए उसको भी मैं प्रूफ कर दूँगा आखिरी में। ठीक है, पहले इसे पढ़ लेते हैं कि खबर क्या फैल रही है। ठीक है, आप लोग यहां देख सकते हो गाइस कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज निर्देश 2020। मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि ये जो खबर है बिल्कुल गलत है। जी हां गाइस, और इसे दूसरों के साथ भेजना या फैलाना इधर उधर एक अपराध के। चलिए, आप कहीं भी आए ये खबर आपके पास तो इसको फैलाइएगा मत इधर उधर, या अपने दोस्तों को भेजिएगा भी तो ये उससे बोल दीजिएगा कि ये गलत है, एकदम ये जो खबर है बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, उसके बाद मैं प्रूव भी कर दूंगा कि ये कैसे गलत है। देखिए यहां क्या लिखा गया है, निर्देश 2020 सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति। ठीक है, आप लोग देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज निर्देश 2020। ठीक है, सर्वसाधारण के सूचनार्थ देखिए विज्ञापित एवं प्रसारित है। यहां ये पहली लाइन में लग रहा है मिस्टेक किया गया है लिखने में। ठीक है, तो सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित है कि वर्ष 2020 की परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले कक्षा 10 तथा 12 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 यानी वही कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा पुस्तिकाओं की सुरक्षा में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि क्या निर्णय लिया गया है, अब देखिए नीचे क्या लिखा गया है, सभी छात्र छात्राओं को पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सभी छात्र छात्राओं को पास किया जाएगा। ठीक है, उनके प्रमाण पत्र पर केवल उत्तीर्ण लिखा जाएगा, यानी जो प्रमाण पत्र होगा उनका या अंक पत्र होगा उस पर केवल उत्तीर्ण लिखा जाएगा, उस पर अंक नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, यानी उस पर अंक नहीं लिखे जाएंगे। आप समझ सकते हो कि हिंदी में इतना मार्क लड़के ने पाया, मैथ में इतना मार्क पाया, टोटली इतना मार्क पाया, ये नहीं लिखा जाएगा, केवल उत्तीर्ण लिखा जाएगा। ठीक है, उस पर नहीं लिखे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यह निर्णय उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा सही से न हो सकने के कारण सभी छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिया गया है। और गाइस यहां आप लोग देख सकते हो नीचे पूरा ये नीना श्रीवास्तव का ऑथराइज सिग्नेचर, नीना श्रीवास्तव सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। जो गाइस ये खबर है ये बिल्कुल गलत है। चलिए मैं आपको इसको यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है उस पर चलता हूँ और उस पर खुद यूपी बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया कि ये खबर बिल्कुल गलत है और इसको इधर उधर फैलाने वाले लोग भी एक तरह से ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि यूपी बोर्ड का क्या खबर है। हाँ, तो गाइज मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है, देखिए आप भी यहाँ ओपन कर सकते हैं ब्राउजर और इसमें आपको टाइप करना है UPMSP। ठीक है गाइज, क्या टाइप करना है UPMSP और इसी को सर्च करना है अपने ब्राउजर में। सर्च करने के बाद यहाँ देख सकते हो जो फर्स्ट में ही एक साइट खुलेगी upmsp.edu.in, यही यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट खुल गई और ये ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन पर एक सूचना जारी मतलब जो यूपी बोर्ड की तरफ से किया गया है आ जाएगा। देख सकते हैं आप क्या लिखा गया है, अति आवश्यक / महत्वपूर्ण सूचना। अब देखिए इससे हम पढ़ते हैं, देखिए समस्त छात्र छात्राओं अभिभावकों शिक्षक गणों एवं अन्य सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है, यानी जो भी यूपी बोर्ड एग्जाम से संबंधित है उनको सूचित किया जा रहा है। ठीक है, कि वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण कर देने संबंधी कतिपय सूचनाएं बोर्ड का मोनोग्राम लगाकर, यानी बोर्ड का जो मोनोग्राम यानी वही जो लोगो है, ठीक है, लगाकर व्हाट्सएप या ट्विटर एवं मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है। ये सूचनाएं पूर्णतया फर्जी एवं भ्रामक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि फर्जी एवं भ्रामक है, ये खुद यूपी बोर्ड ने ये जारी किया है। ठीक है, इस प्रकार की अनाधिकृत
या फर्जी एवं भ्रामक सूचनाओं को वायरल करना दंडनीय अपराध है। यानी देखिए गाइज, आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप ये गलत खबर ना फैलाए, ये गलत है। आप लोग देख सकते हो यहाँ दंडनीय अपराध ये भी लिखा गया है, भले ही आपने उसे क्रिएट नहीं किया है लेकिन इधर उधर आप गलत खबर फैला रहे हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। दंडनीय अपराध है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाओं से संबंधित जो भी सूचनाएँ दी जाती है वे परिषद की इसी अधिकृत वेबसाइट www.upmsp.edu.in के माध्यम से दी जाती हैं और यही सूचनाएं मान्य अधिकृत होती हैं। जी हाँ गाइस, यही सूचनाएं मान्य होती हैं। तो कोई भी खबर आप देखिएगा तो आप कहीं विश्वास मत कीजिए, आप सीधे यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है upmsp.edu.in यहाँ पे आइएगा, देखिएगा और यहीं पे आपका रिजल्ट भी जारी होगा, यहीं पे रिजल्ट आपका दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी खबर जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है, खबर कि आपको बिना एग्जाम दिए पास कर दिया जाएगा, वो गाइज बिल्कुल गलत है। आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा, आप यहाँ मैंने प्रूव भी कर दिया है, यहाँ आप देख भी सकते हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको उन दोस्तों ने वो खबर पाई है और उसको सही मान रहे तो आप सबको बताइए कि नहीं ये खबर बिल्कुल गलत है और यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आकर उन्हें दिखा भी दीजिए। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो बस, थैंक यू।